नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर दोस्तों आपने अभी तक ई मित्र हेल्प वीडियो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा उसके ऊपर भी क्लिक कर ले, जिसकी वजह से आपको हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आधार कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन करके ये पता करना कि आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर रजिस्टर्ड हैं तो कौन से नंबर रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जाना है UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in, इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का तरह पेज दिखाई देगा, उसके नीचे देखो यहाँ आधार सर्विस के अंदर लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाई आधार नंबर। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर, इसमें आपके आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है और नीचे सिक्योरिटी कोड करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, उसके ऊपर लिखा आधार नंबर एक्जिट, ये आधार कार्ड नंबर सही है, एज आपकी 20 से 30 साल है, और सबसे नीचे आ रहा है दोस्तों देखो मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड तो इस नीचे बताएंगे, जैसे कि इसके अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड 415 लास्ट 3 डिजिट आपको दिखाई देगी, इससे पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी ज़रूर कीजिए।